तो ध्यान से समझिए बेसिकली कि जब हमने एक जावा फाइल बनाई, उसको कंपाइल करा और हमारे पास डॉट क्लास फाइल बन गई, और डॉट क्लास फाइल को अगर हम डिलीट मार देते हैं तो भैया डॉट क्लास फाइल है ही नहीं, तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। उसी तरह से कहानी कुछ ऐसे होती है। मान लो हमारे पास एक क्लास है टेस्ट नाम से, है ना, स्क्रीन दिख रही है। सर अच्छा, ये टेस्ट नाम की क्लास में, है ना, मैंने मान लो लिखा पब्लिक, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। मान लीजिए इस तरह से मैं लिखता हूँ, क्या है पता नहीं क्या, देखो जब जरूरत होगी जिस चीज़ की वो चीज़ नहीं बन के आएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखा मैंने डबल कोड के अंदर हेलो जावा। सेव कर देते हैं इसको, टेस्ट फाइल को हम सेव कर देते हैं टेस्ट डॉट जावा से, है ना। तो पता है, पहली बात तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कि कभी भी जो फाइल का नाम होता है और जो क्लास का नाम होता है सेम रख के चलना चाहिए यार। मतलब अगर मैं इसको हाथी डॉट जावा से सेव कर दूं, फाइल का नाम हाथी दे दूं, क्लास का नाम टेस्ट दे दूं, तो चलेगा? बोलो, बिल्कुल चलेगा, मना थोड़ी नहीं करेगा, चलेगा। आप इसे क्लोज करिए, मिनिमाइज करिए, इस सबको सबको मिनिमाइज करिए, ठीक है। आपकी ये हाथी है ना। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको डिलीट मार देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। हाथी फाइल को जब भी ओपन करेंगे तो टेस्ट क्लास दिखेगी। अच्छा, एक फाइल हाथी है, एक फाइल साथी है, एक फाइल कुछ भी है, कुछ भी नाम से है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे 20 फाइल बनाऊं या 100 फाइल बनाऊं जिनके फाइल का नाम अलग, क्लास का नाम अलग रखूं, तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, किस फाइल में कौन सी क्लास है। समझ रहे हो मैं बात बता रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर हम लोग फाइल का और क्लास का नाम अलग अलग देंगे ना, तो कन्फ्यूजन हमारे एंड से ही है। कल को हमें, अगर हमारे हमारे सिस्टम में 20 फाइलें बन जाएंगी, 100 फाइलें बन जाएंगी, तो कौन सी फाइल में कौन सी क्लास है ये हमारे लिए समझना हमें दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा, आप बताओ। सुजीत, नहीं दिक्कत होगा, सर कंफ्यूज हो जाएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, कंफ्यूजन याद भी नहीं रहेगा मतलब। अब जैसे देखो, यहाँ पे ये जावा डॉक है, ये SRC है, हम गए जावा के अंदर, यहाँ से गए IO के अंदर, और हमने यहाँ से उठाया कंसोल क्लास। तो जब कंसोल फाइल को उठाऊंगा तो इसकी क्लास कौन सी होगी, इसकी क्लास का भी नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसकी क्लास का नाम क्या होगा। इसकी क्लास का नाम कंसोल होगा, कंसोल फाइल की कंसोल ही क्लास है। फाइल नेम क्लास नेम सेम रखना चाहिए हमेशा और हमेशा, डिट मतलब ये बात अटल सत्य, और हमेशा मतलब ये रूल आप फॉलो जरूर करिएगा, ठीक। नहीं करोगे तो समस्या आएगी। क्या समस्या, मैं आपको ला के दिखाता हूँ समस्या। मैं क्या करूँगा, मैं CMD डेस्कटॉप लोकेशन पे पहले चला देता हूँ, आ गया। अब मैंने फाइल को करा कंपाइल, जावा C CLS किया ना, CLS,
स्क्रीन क्लियर, जावा सी हाथी डॉट जावा। तो हाथी डॉट जावा को, अच्छा यहाँ कह रहा है सिस्टम डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिस्टम जो लिख रहे हो ना आप एस वाई एस टी एम, ये कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं एग्जिस्ट है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? कह रहा है ये कैपिटल लिखो। हमने कहा अच्छा ये बात है, लिख दिया हमने। अब करा कंपाइल, अब हो गया कंपाइल सक्सेसफुली और ये बन गया डॉट क्लास फाइल, टेस्ट डॉट क्लास फाइल। प्रॉपर्टी में जाओगे आपको मिलेगा डॉट क्लास फाइल, क्लास फाइल है ना, आप इस पर डबल क्लिक करके भी देख सकते हो। और जब भी आपको प्रोग्राम रन करना है तो रन डॉट क्लास फाइल ही करा जाता है, ना कि जावा फाइल, समझे आप? जावा फाइल को डिलीट भी मार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लो डिलीट कर दिया हमने, खत्म कहानी, गया भैया खत्म। अब जिसके भी मशीन में भी आपको यूज करना टेस्ट यूज करो। अब मान लो कि हमारे पास एक और क्लास है ना, एक और क्लास है। अच्छा समस्या क्या आई फाइल नेम क्लास नेम याद करने में, कि फाइल का नाम से कंपाइल करेंगे, क्लास के नेम से रन करेंगे, तो दो दो नाम याद करना पड़ेगा, ये एक समस्या है, ठीक है? तो इसलिए सेम रख के चलो, ठीक है? मैं एक और क्लास बनाता हूँ, यहाँ नहीं बनाऊँगा, अलग से कहीं बनाऊँगा, ठीक है? अच्छा सेव करते फिर आ गया ये तो सेव करते फिर से आ गया, डिलीट मार दिया था हमने। अच्छा एक काम करता हूँ, फिर से डिलीट मार देता हूँ, लो मैं आपको एकदम फैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक क्लास है, एक और क्लास बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा ए, है ना? और इस ए नाम की क्लास में मैं यूज करना चाहता हूँ टेस्ट क्लास का, टेस्ट क्लास को कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, बना लो यहाँ मेन और बना लो ऑब्जेक्ट, कौन सा दिक्कत है? लिखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? और यहाँ लिखो स्ट्रिंग, उसके बाद एरे लगा के देन यहाँ पे आप ये हमने एरे का साइन बना लिया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट। कभी पढ़ा है ऐसा कुछ, ऑब्जेक्ट बनाना पढ़ा है? पढ़ा है कभी? हाँ जी चलो ठीक है, डिस्कस करेंगे हम आगे, अभी तो हमारा प्रोग्राम, अभी हमारी कहानी शुरू होगी। अब हम इसको कर देते हैं सेव, है ना, ए डॉट जावा से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ए डॉट जावा कहीं बन के आ गया, ये आ गया बन के, ठीक है? ए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ये ए कुछ और होगा मुझे लग रहा है, डॉट क्लास फाइल है, पहले से कहीं पड़ी हुई थी, डिलीट मार देते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मजे की बात यह है कि जब मैं जावा सी करके ए को कंपाइल करूँगा ना, ए को कंपाइल करूँगा तो ए क्लास में टेस्ट यूज हो रहा है, तो कंपाइलर चेक करने जाएगा कि क्या यार ये जो टेस्ट है ये एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ है भी या नहीं, तो है भाई, है तो कंपाइल हो गया, बैड कोड बन गया। अगर नहीं होता ना ये, डिलीट मार के दिखाता हूँ, तो फिर एरर आ जाता आपके लिए, देखो नहीं मिला, एरर आ गया। तो कहने का मतलब अगर कोई डॉट क्लास फाइल आप यूज कर रहे हो कहीं, है ना, तो वो कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से इन द सेम डायरेक्शन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं रीस्टोर कर लेता हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम यूज कर रहे हो ये क्लास है, बनी बनाई क्लास, ये जो स्ट्रिंग यूज कर रहे हो ये बनी बनाई क्लास है, तो इन क्लासेस का जो बाइट कोड होगा वो हमारे प्रोग्राम में लिंक हो रहा होगा,
समझे आप, वो अगर नहीं होता तो अब प्रोग्राम ही नहीं चल पाता ये। तो आखिर कैसे, क्या कहानी हो रही है, तो समझाता हूँ मैं आपको। ये जो आर टी डॉट जार है, इसी आर टी डॉट जार में सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, थ्रेड क्लास, यानी कि जावा की जितनी भी चीज़ें एस आर सी में हैं उन सबका डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है, बाइट कोड अवेलेबल है। समझ रहे हो आप प्रोग्राम को कंपाइल करो, ये देखो आप हाथी को कंपाइल करो, हो जाएगा। आर टी को डिलीट मारो, और जैसे ही आर टी को डिलीट मारेंगे, ये मुझसे कुछ डिटेल मांगेगा। ठीक है, मैंने डिलीट मार दिया। अब ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, नेवर। ये देखो, एरर ऑकर ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ वीएम, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड। कुछ क्लासेस हैं जो खोज रहा है, उसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही है इसे। आर टी डॉट जार के डिलीट मारते ही खत्म कहानी। अब मैंने कंट्रोल जेड करके बुला लिया फिर से उसे, आएगा। अरे भाई, शिफ्ट के साथ तो डिलीट नहीं मार दिया था मैंने। अरे यार, शिट, तो बड़ा गलती हो गई भाई। कंट्रोल जेड करने से भी नहीं आएगा, ऐसा क्यों यार? अब तो मेरा ख़त्म, जेवीएम की कहानी ख़त्म। अब जावा मुझे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये चलेगा ही नहीं। या तो आरटी में कहीं से लेके आऊं। मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट मार दिया, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ मैं, गलती है ना। और अंडू करने से भी नहीं आ रहा ये। जोस जोस में हमने जो है होश खो दिया था, या नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक है, आरटी अगर नहीं है तो फिर प्रोग्राम में कुछ भी दम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, नथिंग। तो हमें अपना जो कंट्रोल पैनल से जाके अपना जावा अनइंस्टॉल मारना पड़ेगा, और फिर से मैं जावा अपना रिपेयर कर लूँ या इंस्टॉल कर लूँ, जो भी है वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया आपका जो जावा है ना, जावा का जितने भी, मतलब कह सकते हो कि लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जावा की जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो क्लास फॉर्म में होती हैं, जो क्लासेस आप यूज करते हो। ठीक है, और उनका बाइट कोड कहीं ना कहीं पड़ा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ कुछ बोल रहे हो आप? सर उनका बाइट कोड कहीं ना कहीं पड़ा होता है, और तभी आप उसको यूज कर पाते हो। और जावा की जितनी भी सोर्स कोड है उनका बाइट कोड आर टी डॉट जार में पड़ा होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना एग्जाम्पल, एक क्लास ए बनाया, एक क्लास टेस्ट बनाया, अब उसको दूसरी जगह मैं यूज करने जा रहा हूँ तो वो रन ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा था ना। अगर मैं डिलीट मार दिया तो, अगर दोनों क्लासेस हैं तो दोनों में मैचिंग फाउंड है, प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन जहां पे मैचिंग नहीं मिलेगा भाई, प्रोग्राम वहां नहीं चलेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, हमें करना ये होता है भाई कि हमारी जो डॉट क्लास फाइल है वो हमें रखना है। ऐसा नहीं कि वो डॉट क्लास फाइल हम डिलीट मार देंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं, डॉट क्लास फाइल हमें संभाल के रखना है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज कर पाएँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, क्या हाँ, बताएं सर, मेरा कट गया था नेट सर, पता नहीं चला क्या दिखाया आपने क्या कह रहे हो? सर, मेरा मेरा नेट कट गया था सर। अच्छा, मैंने बस, कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड भी है सेशन, है ना, तो आप देख लेना। वैसे मैंने बस आर टी डॉट जार के बारे में ही बताया है अभी।
और कुछ अभी ज़्यादा बताया नहीं है, आरटी डॉट जार ही मेरा डिलीट हो गया है, तो उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सर अपना वहां पर सर इम्प्लीमेंट लिखा था, सर इम्प्लीमेंट क्या लिखा था, मतलब सिस्टम के बाद इम्प्लीमेंट लिखा था ना, तो क्या था सर? अब आप देख लेना रिकॉर्डिंग आप, है ना, अब कहाँ छूटा कहाँ नहीं छूटा एक बार देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आज ही डाल दूंगा आपके लिए। और बताओ, ठीक है, बताइए, इतनी सेवा ठीक है? पिछली वाला भी नहीं डाले थे, क्या बात कर दिया आपने, सारे सेशन पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे सारा पड़ा हुआ है A to Z। अच्छा, दूसरा चीज़, आप म्यूट कर लीजिए, अभी कितना टाइम हुआ? हाँ जी, सात अभी तो सब अभी टाइम है ना। सुनो, अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, देखो मेरा जावा यहाँ से हट गया, मैं जावा पहले एक तरफ लगा देता हूँ, वो इंस्टॉल्ड होता रहेगा, है ना। तो हाँ, अब RT.jar के बारे में आप सुन लीजिए। RT.jar के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम जैसे src.zip जिस हम जो करते हैं उसमें साफ जावा का सारा सोर्स कोड पड़ा है, तो क्या RT.jar को भी पढ़ सकते हैं? कोई तरीका तो होगा ना जिससे RT.jar को भी पढ़ा जा सके? तो बिल्कुल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। RT.jar को अनजार करा जा सकता है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, और उसके अंदर से जाके आपको एक एक क्लासेस के बारे में पढ़ा जा सकता है कि क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, कहाँ पे पड़ी हुई हैं, सारा चीज़ क्लियर। तो कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तो RT.jar, अच्छा चलो ठीक है, आपके जावा के JDK के बिन में बहुत सारे टूल्स हैं, ये आपको पता है ना, जावा के JDK के बिन में टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं? जावा के JDK के बिन में कौन कौन से टूल्स होते हैं बताएंगे आप लोग? जावासी, हाँ, और जावासी और जावा एच, जावा सी, जावा एच, जावा डब्ल्यू, जार, जे कंसोल, है ना। तो उसी में एक टूल होता है जार, तो जो जार नाम का टूल होता है ना, JAR, तो जार नाम के टूल के थ्रू आप RT.jar को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? बस आप लिख दो जार और XVF और फाइल का नाम RT.jar, ये इतना कमांड होगा। पहले RT.jar को कहीं पे लेके आ जाना, कहीं फोल्डर में, और फिर ये कमांड चला देना जार। तो जार कमांड चलाना, और जार के साथ क्या चलाना, XVF चला लेते हैं, अब आ गया होगा हमारा जावा। ठीक है, तो हमने RT को डिलीट मार दिया था, ये बड़ा अक्षम्य अपराध हो गया था हमसे, है ना। ये हमारा जावा है, अक्षम्य अपराध, समझ रहे हो ना, JRE का लिव, लिव के अंदर RT, RT को करा कॉपी, और यहाँ पे किसी फोल्डर में, ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना के RT को कर दिया पेस्ट, तो RT आ गया यहाँ पे, नहीं आया, आ जा भाई, वो स्लो चल रहा है ना थोड़ा, इसलिए वो, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, आ गया ये, ठीक। अब RT में जाके यहीं पे CMD लिख के एंटर मार दीजिए, CMD इसी लोकेशन पे ऑन हो जाएगा, एंड देन जार लिख के एंटर मारोगे तो जार के जितने स्विचेज हैं वो आपको दिख जाएंगे, जार ऑप्शन के स्विचेज, जैसे सी से क्रिएशन होता है, जार बनता है, मतलब ये जार कैसे बना होगा? अच्छा ये बताओ, ये जार समझ रहे हो आप क्या होता है? जार जिप। अरे भाई, अगर आपके सिस्टम में 10 फाइलें हैं, आपको किसी को मेल करना है, तो एक एक करके अटैच ना करके उसे कंप्रेस कर लो, तो उसे जिप बोलते हैं, पता है ना, जिप फाइल। जिप फाइल के बारे में पता है सुजीत? हैं, यस सर,
क्यों बनाते हैं ये भी पता है ना, कंप्रेस हो जाता है भाई। अगर मेरे पास अच्छा 4 फाइलें हैं अलग अलग साइज की, 10 KB की हैं, जिप बनाएंगे तो 8 KB बन जाएगा, है ना, और वो इजीली चला जाएगा। जो जिप होती है ये विंडोज़ का एक्सटेंशन होता है, विंडोज़ की यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू हम कोई जिप फाइल बनाते हैं। तो जावा की अपनी यूटिलिटी जा रहा है, जो कंप्रेस करने की यूटिलिटी है, समझे आप। तो उन्होंने कंप्रेस करके रखा हुआ है जिस जार फाइल को, जावा का अपना खुद का यूटिलिटी यूज करके उसको जार बना दिया है इन्होंने। तो इस आरटी डॉट जार की अगर हम बात करें, तो आरटी डॉट जार को अगर किसी भी जार को अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो सी होता है, एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्स होता है, वर्बोज आउटपुट देखना है तो वी होता है। ये सब स्विचेज हैं, है ना। जार लिख के एंटर मारोगे सारे स्विचेज आ जाएंगे। क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप लिखेंगे जार, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं लिखूंगा एक्स, एफ मतलब फाइल, मुझे एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। अगर मैं वी मतलब वर्बोज लिख दूं तो जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वो सीएमडी पे दिखता रहेगा, अगर वी नहीं लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा, ये ऑप्शनल है, तो मैं वी लगा देता हूँ। और आर टी डॉट जार एंटर मारा, ये देखो कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है आर टी। अब बगल वाले फोल्डर में यहाँ देखते रहना, ये आर टी के अंदर से पूरा खानदान एक ही करके निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जावा पैकेज, जेवएक्स पैकेज, स्विंग पैकेज, ये पैकेजेस एक एक करके निकल रही हैं। इन पैकेजेस के अंदर से, सारे पैकेजेस के अंदर से अंदर चले जाओ, ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, कौन सी फाइल, क्लास फाइल, है ना। ये देखो सिस्टम क्लास, ये देखो स्ट्रिंग क्लास, डॉट क्लास फाइल, लाइब्रेरी फाइल। बोलो भाई, कभी किसी को पता ही नहीं होगा ये, बस यूज करते हैं लोग, यूज करना लोग जानते हैं, पता ही नहीं होता है कहाँ से हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से जो बताया, रिलेट कर पा रहे हो। तो ये न्यू फोल्डर के अंदर आरटी को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दिया, कमांड ये था हमारा। अगर मैं वी नहीं लगाऊंगा तो ये आउटपुट यहाँ नहीं दिखाएगा, बट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इंटरनली प्रोसेसिंग कर रहा है, ऐसे ही आपको दिखेगा नहीं, इसलिए वी लगा दिया था, XVF। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, देख क्वेरी नहीं आएगी तो मतलब ये आप सब कुछ आता है, समझ में आ रहा है। यस नो कुछ भी फटाफट बोल दिया करो आप लोग। सर मेरा तो वीडियो कट कर क्या बताएं आपका, आप एक जगह नहीं रुक रहे हो। गया सर को देखकर सर मैं आपको अभी तो नहीं पूछ सकती, कल पूछेंगे हाँ बिल्कुल 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 पूछिएगा आप। और बताइए सुजीत, आपको समझ में आ रहा है, सर। एक्सट्रैक्ट कर लिया। और अच्छा, अगर जार क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी साथ ही साथ आज बता देता हूँ मैं, जार क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। चलो बताता हूँ, मान लो आर टी डॉट जार को मैंने डिलीट मार दिया, मतलब ये तो वो वाला है ना, कॉपी किया था मैंने, कट तो नहीं किया था, ये देख लूँ मैं ज़रा, नहीं तो गुनाह हो जाएगा मुझसे फिर से। आर टी डॉट जार प्रोग्राम फाइल जावा जे डी के और जे आर ई, जे आर ई के अंदर है लिव, लिव के अंदर आर टी, नहीं आर टी को मैंने कॉपी किया था, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो आज मैं आपको जार एक्सट्रैक्ट करना सिखा दिया, जार बनाना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, जार बनाना अगर आपको है तो पहले उस लोकेशन पे जाएं जहाँ जार बनाना चाहते हैं, जिसका भी आप लिखिए जार सी वी एफ, है ना, सी मतलब क्रिएट, वी मतलब वर्बोज आउटपुट, एफ मतलब फाइल। मैंने कहा हाथी डॉट जार, हाथी नाम से जार बना दो, किसके लिए बनाओ, मैंने कहा केवल जावा वाले फोल्डर का एक जार फाइल बना दो, तो ये केवल जावा फोल्डर का जार फाइल बना रहा है,
ओनली जावा फोल्डर का, नॉट जावैक्स, किसी और का नहीं, केवल जावा फोल्डर का बना रहा है ये। जावा के अंदर भी सब फोल्डर होंगे लेकिन जावा का ही इसने बनाया जा रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, नहीं 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 तू भाई एक काम कर, जावा नहीं सारे फोल्डर का बना देना, तो स्टार डॉट स्टार मार दूंगा, सारे फोल्डर का जार फाइल बना देगा। अगर मैं कोई स्पेसिफिक फाइल दे देता हूँ ए डॉट जावा, तो ए डॉट जावा का ही जार फाइल बनाएगा। ये समझ लो कि मतलब ये जावा के थ्रू जार बनाना, अनजार बनाना है। मतलब अगर आप नेट पे किसी को फाइल शेयर कर रहे हो तो जार बना के दे सकते हो, अनजार बना के उसे मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फिर जब ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, स्टार डॉट स्टार लगा दूंगा तो सारे फाइलों का पूरा खानदान। स्टार डॉट, क्या दिक्कत आ गई, हाथी डॉट जार मतलब ये किस नाम से आपको जार बनाना है, हाथी मतलब कोई भी नाम, एक्सटेंशन डॉट जार लगाना। स्टार डॉट स्टार नहीं चलेगा, तो डॉट स्टार चलेगा ओनली, नो सच। अच्छा हाथी को मैं, चलता तो है ये स्टार डॉट जावा, स्टार डॉट स्टार भी चल जाता है, क्यों ऐसा कह रहा है, ये स्टार डॉट स्टार नहीं चल रहा है, चल जाता है सी वी एफ जार स्टार डॉट स्टार, एंटर, नो फाइल और डायरेक्ट्री। अच्छा ये अगर बहुत सारी फाइल और डायरेक्ट्री होती हैं तब बनाता है। एडेड मैनिफेस्ट, अच्छा स्टार डॉट, अगर मैंने क्या लिखा था तो ये सब बना था, मैंने एक फोल्डर का नाम दिया था तब हो गया था, एक फोल्डर का नाम देने से हो जाता है, बहुत सारे फोल्डर का एक साथ अगर बनाना है तो ओनली स्टार दे दें, एंटर मार दें, हाँ ओनली स्टार दे देना है आपको। अब ये बना रहे हैं एक एक करके, ठीक है। देखो सन कॉम फलाना कॉम का बना रहा है पहले, अब देखें कॉम का बना रहा है, फिर कॉम के अंदर सन ओ आर जी सिक्योरिटी है ना, ये दिख रहा है मुझे मतलब यहाँ पे। अभी ये और भी अंदर जाएगा, जावा का बना रहा है, फिर नेट का बनाएगा, फिर यू मैं बंद कर देता हूँ, तो इसका मतलब आपको बस क्लोज कंट्रोल सी, अरे यहीं से बंद कर देता, ये बंद हो गया। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आप